टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी कब वापस लौटेंगे, ये सवाल बीते कई महीनों से लगातार चल रहा है। दरअसल धोनी फैंस को इंतजार है कि धोनी कब मैदान पर एक बार फिर अपने पुराना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि धोनी ने बीते साल 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में माही की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे उनके फैंस लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार धोनी कब वापस आएंगे। धोनी ने हालांकि अपनी वापसी की तैयारियां शुरू कर दी थीं और वो आईपीएल से वापसी करने वाले थे, लेकिन कोरोना के महाप्रकोप की वजह से महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल के लिए इंतजार करना पड़ा। दरअसल आईपीएल को फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब देखना होगा कि इस बार आईपीएल हो पाना संभव है या नहीं। लेकिन खबरों की माने तो महेंद्र सिंह धोनी बहुत जल्द क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। बता दें आपको कि धोनी इस साल के अंत में होने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने को लेकर अपनी इच्छा रांची की जेएससीए स्टेडियम में बता चुके हैं। दरअसल धोनी झारखंड की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसके बाद मैदान में वापसी के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ये ट्रॉफी T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। इसी के साथ खबरें हैं कि धोनी अब वनडे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इससे पहले टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री भी ये बात कह चुके हैं कि उनकी नज़र में धोनी अब सिर्फ T20 फॉर्मेट ही खेलने के लायक हैं और वो वनडे क्रिकेट अब शायद ना खेलें। यानी कि अगर शास्त्री की बात को आगे बढ़ाया जाए तो धोनी भी कुछ ऐसा ही इशारा दे रहे हैं और वो अपने फैंस के सामने ये बात रख चुके हैं कि अब वो सिर्फ और सिर्फ T20 टूर्नामेंट ही खेलते हुए नजर आएंगे, वनडे फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।